इस सिंह राशिफल 2023 की मदद से आप जान सकेंगे कि वर्ष 2023 में सिंह राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के बदलाव आने के योग बनेंगे। यह राशिफल पूरी तरह से वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंह राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए शनि देव जी वर्ष की शुरुआत में तो छठे भाव में रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 को आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और सप्तम भाव में शनिदेव को दिग्बल प्राप्त होता है, इसलिए वह काफी शक्तिशाली हो जाएंगे और आपको अपने जीवन में उत्तम फल प्रदान करने में मदद करेंगे। देवगुरु बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में रहेंगे, इस कारणवश आपके अंदर धार्मिकता काफी बड़ी चढ़ी रहेगी, लेकिन कार्य में ज्यादा सफलता मिलने में विलंब होगा। लेकिन 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति का यह गोचर अचानक से लाभ के साथ साथ समाज में मान सम्मान और भाग्य की वृद्धि का सुंदर संयोग लेकर आएगा। आपकी लंबी धार्मिक यात्राएं होंगी और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति महाराज की युति राहु महाराज जी से होगी और गुरु चंडाल योग बनेगा। विशेषकर मई के महीने में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे आपके पिताजी को कुछ समस्याएं हो सकती हैं, गुरुजनों से आपके मतभेद बढ़ सकते हैं और धार्मिक कामों में कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती है। इसके बाद 30 अक्टूबर 2023 को राहु का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। यह गोचर ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपके जीवन में अचानक से अनेक घटनाएं घटेंगी जो आपके जीवन जीने के तरीके में बदलाव लेकर आएंगी। आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। इस दौरान आपको वाहन दुर्घटनाओं के प्रति सतर्कता बरतनी होगी और धन को लेकर विशेष सावधान रहना होगा। धन हानि की संभावना बन सकती है। हालांकि विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 के दौरान अन्य सभी ग्रह भी समय समय पर अपना गति परिवर्तन करते हुए अलग अलग राशियों में और आपके अलग अलग भावों में गोचर करेंगे, तो उन सभी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वह आपके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को छूते हुए उन्हें अपने असर से प्रभावित करेंगे, यह सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सिंह राशि फल के अनुसार वर्ष 2023 सिंह राशि के जातकों के जीवन में एक ऐसा वर्ष साबित होगा जहां आपको करने के लिए बहुत कुछ होगा और अपनी काबिलियत दिखाने का बार बार मौका प्राप्त होगा। वर्ष की शुरुआत में छठे भाव में उपस्थित शनि महाराज आपको अपने विरोधियों पर विजय दिलाएंगे और कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में भी अच्छी सफलता दिलाने में आपको मददगार साबित होंगे। तो वही 17 जनवरी को गोचर के बाद आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव में जाकर यह दिग्बल से युक्त हो जाएंगे और अत्यंत प्रभावशाली हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके व्यापार में उत्तम सफलता के योग बनाएंगे और दाम्पत्य जीवन में भी अच्छी स्थिति निर्मित होगी। कुछ कार्यों को लेकर आपको मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन आप उसको खुद पर हावी नहीं होने देंगे, तो समझना चाहिए कि यह गोचर आपको बहुत ज्यादा लाभ प्रदान करेगा। जनवरी का महीना आपके लिए आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, लेकिन आप अपने विरोधियों पर जीत दर्ज करेंगे। यदि आपके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है तो जनवरी में उसमें आपके पक्ष में कोई ना कोई फैसला आ सकता है, इससे आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। आपके मन में धार्मिक गतिविधियां चलती रहेंगी और आप धार्मिक रूप से काफी एक्टिव रहेंगे। सिंह राशिफल 2023 के अनुसार फरवरी का महीना थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में शनि और शुक्र एक साथ विराजमान होंगे। यही समय आपके पिताजी की सेहत को बिगाड़ सकता है, उनसे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं और आपको अपने व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। मार्च के महीने में आप किसी पूजा पाठ धार्मिक क्रियाकलाप आदि में शामिल होंगे। विवाहित लोग जीवन साथी के साथ ससुराल पक्ष के किसी सदस्य के विवाह में शामिल होने जा सकते हैं। घर में सुख शांति रहेगी। आपका कोई महत्वपूर्ण राज इस दौरान बाहर निकल सकता है। अप्रैल का महीना आपको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। आपकी दूरदर्शिता और आपका अनुभव आपको सफलता दिलाएंगे। भाग्य का प्रबल योग बनेगा। भाग्य आपके छोटे से छोटे काम को भी बहुत ज्यादा बड़ा बनाकर दिखाएगा, जिससे आप लोगों की नजरों में आएंगे और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। मई के महीने में करियर में उत्तम सफलता मिलने के योग बनेंगे। सूर्य का दशम भाव पर प्रभाव आपको आपके काम में मजबूत बनाएगा। आपके हाथ में कुछ नए अधिकार आएंगे, जिनको पाकर आप बहुत खुश होंगे। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होने से आपका रुतबा भी बढ़ेगा और नौकरी में आपकी स्थिति बढ़िया होगी।
व्यापार में भी सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। जून के महीने में उत्तम आर्थिक लाभ होने की स्थिति बनेगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ के योग प्रदान करेंगे। आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपके निजी जीवन के लिए भी यह समय लाभदायक रहेगा और चली आ रही परेशानियों में कमी आएगी। सिंह राशिफल 2023 यह संकेत देता है कि जुलाई का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी जो आपको परेशान कर सकती है, लेकिन इस दौरान आपके विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे और यदि आपने इस विषय में पहले भी प्रयास किया हुआ है तो इस समय में आप विदेशी जमीन पर जा सकते हैं। अगस्त का महीना आपको आत्मविश्वास से लबरेज बनाएगा। आपका काम करने का तरीका लोगों को पसंद आएगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। लोग आपको महत्व देंगे। आपके संपर्क गणमान्य लोगों से होंगे। ऊंचे पद पर आसीन व्यक्तियों, नेताओं आदि से आपको मिलने का मौका मिलेगा। सिंह राशिफल 2023 के अनुसार सितंबर के महीने में आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। आप बैंक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे और इस दिशा में बहुत ज्यादा प्रयास करते नजर आएंगे। इस दौरान आपकी वाणी थोड़ी कर्कशा होगी और यदि आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं और बिना सोचे समझे बोलते हैं तो आपके कई बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं और आपके दोस्तों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अक्टूबर का महीना निजी प्रयासों से सफलता प्राप्ति की ओर इशारा करता है। सरकारी क्षेत्र से भी आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। यार दोस्तों का साथ मिलेगा। आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आप व्यापार में भी जोखिम लेने से पीछे नहीं रहेंगे और इस दौरान आपको अच्छा लाभ होगा। छोटी मोटी यात्राएं भी होती रहेंगी। नवंबर के महीने में आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं या महत्वपूर्ण संपत्ति होगी और आप अपना घर बना सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको इस दौरान सरकारी आवास अथवा सरकारी वाहन की प्राप्ति हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको ऑफिस की तरफ से वाहन मिल सकता है। दिसंबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन विवाहित लोगों को संतान से संबंधित कोई परेशानी महसूस हो सकती है। हालांकि इस दौरान आपके अच्छी आमदनी के भी योग बनेंगे। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सिंह राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 1 और 9 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार सिंह राशिफल 2023 बताता है कि वर्ष 2023 का योग 7 होगा। इस प्रकार यह वर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए मध्यम वर्ष साबित होने वाला है और इस वर्ष कुछ चुनौतियों के बाद आपको अपने क्षेत्र में सफलता मिलने के योग भी निर्मित होंगे। इस वर्ष न केवल आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी बल्कि आपको वह जज्बा भी मिलेगा जिससे आप उन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और यदि आप उन पर विजय प्राप्त कर पाए तो जीवन में बहुत ज्यादा सफलता भी इस वर्ष आपको मिल सकती है। इसलिए आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा और आत्मसम्मान बनाए रखें और पूरा विश्वास के साथ हर काम को करना होगा। आपको रविवार के दिन व्रत रखना चाहिए। रविवार से शुरू करके प्रतिदिन श्री सूर्य देव को अर्घ्य दें। प्रतिदिन सूर्याष्टक का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। बुधवार को शाम के समय किसी मंदिर में काले तिलों का दान करना लाभदायक रहेगा। आपके लिए उत्तम गुणवत्ता वाला माणिक्य रत्न धारण करना बहुत लाभदायक रहेगा। इस रत्न को आप अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान रविवार के दिन प्रातः काल धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं तो आपके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वर्ष 2023 का यह राशिफल आपको आने वाली घटनाओं के प्रति सचेत करेगा और सही मार्ग चुनने में आपका सच्चा मार्गदर्शक साबित होगा। आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।